हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशागी सबक जाओ, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अलहमदुल्ला हम सब एकदम ठीक है। और आज हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। आज डेट है 5 अप्रैल। बस जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए। तैयारी का सब कुछ हो गया, बस अभी निकलने ही वाले 5 मिनट में। कौन कौन जा रहा है, कैसे क्या, आपको सब बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले जो स्पेशल गिफ्ट मिला था वो पहन लेती हूँ। अरे वाह, अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे। तो फ्रेंड्स, बस निकलने का हो गया टाइम, हम सब रेडी हो गए हैं, निकलना है। अब तुम कुछ बोलो, आज मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। आज रोजा लग रहा है, तुम रोजा भी लग रहा है। क्यों उदास हो रहे हो? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो अभी इंशाल्लाह आ जाएंगे जल्दी से। तुम चल रहे हो? हाँ, मैं चल रहा हूँ। सही, 15 दिन तुरंत कट जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ रमजान में बहुत मिस, बहुत अच्छा लगा, बहुत मिस, मतलब बहुत मिस करेंगे हम सब मिस करेंगे तुम्हें। चलो अभी चलती हूँ। पागल है क्या? नहीं ना, चलो। दुआ करे वहाँ चला, ठीक है, बाय। ठीक लग रहा है, रोना तो नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, बस हम निकल रहे थे तो पप्पी से मिल ले, उनका सूट भी दे दे और उसके बाद चलते हैं। जा रहे हो क्या ईद करने? हाँ जी, चलो अल्लाह। हमेशा की तरह जहाँ हम रुकते हैं झांसी जाने में, हम वहाँ पे रुक गए क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया है। तो अब इसको देते हैं हम लोग ऑर्डर, उसके बाद करते हैं इफ्तार की तैयारी। और फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि हमारे साथ महल भी जा रही है। कहाँ जा रही है? मुंबई। हैप्पी हो? घर से लेके आए हैं ये सारी चीजें। चलो भाई, इफ्तार का टाइम हो गया, जल्दी इफ्तार करते हैं। इफ्तार में फ्रेंड्स सारी चीजें हैं, ग्रेप्स है, पनीर के पकौड़े हैं, ये वाले पकौड़े कौन से, प्याज के पकौड़े, प्याज के पकौड़े हैं, चटनी है, फ्रूट्स है, शरबत है और हम सब हैं। तो टाइम हो रहा है 6:33 और इफ्तार करते हैं। आज शरबत मैंने नहीं बनाया तो आज मीठा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है हमारा इफ्तार। अब पढ़ेंगे नमाज और जाएंगे फिर झांसी, क्योंकि हमारी ट्रेन है वहाँ से रात में 9:30। कूलर दिखाओ, ये क्या करोगी? क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है। झांसी पहुंच चुके हैं और इस वक्त है सदर बाजार में। फालूदा, कुल्फी, पाव भाजी, ओम फोक, ये पूरा खाने की जगह है। ये है झांसी की फेवरेट लस्सी, जहाँ हम लोग लस्सी पीने आए हुए हैं। महर पी के लस्सी, महर से पूछो, रिजा की बहन है, दही नहीं। ये लो लस्सी आ गई। क्या डाला है? आराम सकती नीचे लेट जाओगे? वो क्या दिक्कत है? 4 सीट में 3 सीट ही कन्फर्म हो पाई, जिसमें 2 यहाँ पे है, 1 आगे और 1 है ही नहीं। तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। महर अच्छा लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा? पक्का लगे तो बताना। जलाते अच्छा लग रहा है। आप सही है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाके देख लो। अल्लाह हाफिज। धीरे धीरे चला के जाना, आराम से, आराम से। एक बात बताऊं, ये बहुत अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। हाँ, क्योंकि एक तो अलग अलग सीटें हैं और ऊपर से ऐसा होता तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा है कि हम 3 बजे तक जागते भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई और दूसरा होता है फिर उसे प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे हम लोग को नहीं थी, हमें सहरी के लिए जागना भी पड़े। चलो आराम कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह, खिड़की के पास बहुत अच्छा लगता है ना। बचपन में हमेशा यही बैठना होता तो हमको लड़ाई होती थी, हम यहाँ बैठे। तीन चार बजे तो आप लोग सो जाते हो गए। ट्रेन चलने लगी, ये सही है, स्टूल भी दिया हुआ है। महर मजा आ रहा है? बीबी, आज हमारी शादी को 5 महीने पूरे हो गए। क्यों? तुम्हें याद भी नहीं है? अच्छा लग गया। हाँ। मुबारक हो अल्लाह। तुम्हें मुबारक हो और अल्लाह ताला हम दोनों में ऐसी ही मोहब्बत अता फरमाए और हमेशा ऐसे ही हम खुश रहे हैं। बस हमारे लिए ऐसे दुआ करते रहिए। तो भूल गई थी लेकिन मुझे याद था। हाँ, मुझे लगा पता नहीं है क्यों कह रहे हैं दुपट्टा ओढ़ो, दुपट्टा ओढ़ो। बस अल्लाह ताला आगे की जिंदगी भी हमारी ऐसी आसान रहे। आमीन। तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग ट्रेन में। यही मिल रहा है खाने के लिए। थैंक यू। तो और
ऑरेंज खा लिया, अभी बनाना खा के हम लोग सो जाएंगे, हमारी सहरी हो जाएगी। हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह उठ के। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स ये बहुत छोटू केले इसलिए मैं दो खा रही हूँ, वरना आप लोग सोचोगे कितनी भुक्कड़ है। इसे भुक्कड़ की बात क्या है? बाहर पहुँच गई मुंबई। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई और बहुत गर्म मौसम है यहाँ पे ना, बिल्कुल अलग है, मौसम से अलग ही बिल्कुल। हमने मिलेंगे क्योंकि तुम तो हमारे पास रहती हो। सही है पैर? बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगा। हाँ मतलब पहले से तो ठीक ही है। अभी चलते हैं ऊपर। जी आ गए, कैसे हो? सलाम अलैकुम। ठीक है आप? पापा से मिल लिया है, भाभी से भी मिल लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पापा बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे देख के। अरे भूल मत रहे हैं यहां पे। सुनी ने कहा आपने दुआ दी थी, वही बात है। पार्सल क्या? अभी पार्सल भाई और अभी आपके रखे हैं। ओए उठ मुंबई अपने घर में, या कि सो गए थे, थक गए थे, हम नीचे बैठे थे बातें कर रहे थे, फिर अभी नहाया है। और ये बस यही प्रॉब्लम होती है जब आप आउटफिट मंगाओ और जिसमें दुपट्टा नहीं होता ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये आउटफिट तो देखिए बहुत अच्छा है, इसमें नीचे ये प्लाजो भी था लेकिन दुपट्टा नहीं था। हमेशा की तरह अम्मी का पूरा अलमारी गिरवा के ये दुपट्टा कुछ हद तक मैच कर रहा है। काम चला हुआ है ना? काम चलाओ तो है, तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, और मुझे बड़ा सुकून भी मिला है। ससुराल में यार पहली इफ्तारी होगी तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, देखते हैं क्या है पहली इफ्तारी। लेकिन मैंने सबसे कहा कि शरबत से नहीं भाई बनाएंगे। तो कराओ कुछ, ससुराल की पहली इफ्तारी क्या है? सिंपल सी जो होती है। हाँ भाई पहली बार अभी तक मुझे भी नहीं पता, मैं भी आ जाऊँ, देखते नीचे क्या तैयारी हो रही, पहले नमाज पढ़ रही उसके बाद चले। सनी भाई कह रहा है आज मेरी यहाँ की पहली इफ्तारी, क्या स्पेशल है? ये मोस्ट फेवरेट बच्चा है मेरा, ये बहुत पसंद करता हूँ इसको। आज तो आप शरबत बनाओगे पहले? देखो मैंने सबको बता दिया। नमाज हो चुकी है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नीचे। भैया गिर मत जाना नीचे उतरो। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। चलो भाई चलते हैं नीचे, रेडी हो गए। अस्सलाम वालेकुम बेटी खाला। वालेकुम अस्सलाम। सनी पूछ रहा है क्या बना रही हो? हम क्या बना रहे हैं? गुलगुले भजिए तो पता है, सने जो बनाते हैं वही वही साले तो चला रहा है। नाजा खाला का है? नाजा खाला अभी फल काटने की नमाज पढ़ रही है। फल काटने की ड्यूटी तो अम्मी की थी। बहुत चाह तू, दिल से चाह तू और दिल से दुआ दे तू, मैं तुम्हें समझ लिया। याद कर रही थी हम लोगों की? बहुत याद कर रहा तू, बेटी से पूछ ले कब यही है, कब यही है, कब यही है, मैं यह करता रही हूँ। भले सबसे सलाम तो कर लो। सलाम वालेकुम। सबको दुआ दे दो। सबको अल्लाह दुआ दे, सबको अच्छे रहे, अल्लाह पाक सबको रोजी रोटी दे, अल्लाह मोरे सनी को औलाद दे, अल्लाह रोको खागा काहे के भूखे न रह बेटा। सही बात है, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। सबको अस्सलाम वालेकुम। टूटे फूटे हाल में है ये दोनों, लगड़ाते हुए चल रहे हैं। क्या खबर मिली कि दोनों लड़ाई करते हो? रिजा लड़ाई करते हो दोनों? वही करता है, मैं ना करती हूँ, यही करती है, मैं तो करता ही नहीं। अम्मा सनी ना कहता है इतना नीचे नीचे से नहीं काटो वरना वो नहीं खाएगा। हमने देखा है तुम्हारा। हाँ बहुत बर्बाद करता है। यहाँ सच्चा वहाँ तरबूज मिलता है। तुम्हारा बिल्कुल लाल नहीं निकला ऐसे ही।
टाँके नहीं लगाते। बोले तो भैया तुम ही लोग अच्छे निकाल पाते हो, मेरे इतने बुरे पूछ निकले थे। एक आध बार में हो जाता है पर सही बनेंगे। सनी यहाँ पे पढ़ रहा है, यहाँ पे मेहर बैठी हुई है, यहाँ पे अम्मी फ्रूट्स काट रही है, यहाँ पे ये लोग तल रही हैं। मैं कल से कुछ कराऊंगी, ठीक है? आज मैं रेस्ट करूंगी। ये तुम ऐसे ही पड़े रहोगे? क्या करूँ, शरबत नहीं बन रहा ना। नहीं बन रहा ना? शरबत बन रहा है। सनी भाई शरबत बनाए पर पानी नहीं है ना ठंडा। बर्फ और बर्फ नहीं। रुको रुको, हम लोग लेके आते हैं ना बाहर ठंडा वाला पानी, लेके आते। ठंडा पानी नहीं है, बर्फ भी नहीं है अम्मी। पैर तोड़ा के बैठा, अभी आप गिर जाते। अभी हॉस्पिटल जाना पड़ता। मैं को कितना मजा आ रहा है। हाँ चार बड़ी वाली जो ज्यादा ठंडा हो वो लेके आओ जल्दी। अभी ठीक है ठीक है। क्या बर्फ कहाँ लगेंगे? बर्फ के पैकेट मिलते हैं ना, मजा भी मिलती है। बर्फ मिलते हैं सारी भाई की, ये भाभी की, ये रेहान। देखो भैया यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, जिसको जहाँ मिलेंगे जगह वहाँ भाई आएगा, भाई की जगह जाएंगे। अभी अभी मेरा राज है। नहीं नहीं हम उठा देंगे। ये बहन इतने दिनों बाद आई है अम्मी, कोई इंसान ही सोच लेता है कि बहन को बैठा देते हैं। अरे भाई लेकिन मुझे एटलीस्ट पैर पैर फैलाने पड़ते हैं। अच्छा फिर ठीक। तो बस अभी थोड़ी देर बाद इफ्तार का टाइम यहाँ पे होने वाला है। इफ्तार की सारी तैयारी हो रही है, पूरे घर में बहुत चहल पहल है, पूरा घर भरा भरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अम्मी आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इतने दिनों बाद मेरी बच्ची आई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अच्छा है। वहाँ पे भी इतने दिन बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह यहाँ पे आगे दिन अच्छा लगेगा। और अम्मी सबसे सलाम क्योंकि सब आप बहुत मिस करते हैं। देखो आप भाई के ब्लॉग में दिख जाती हो, भाभी के ब्लॉग में, लेकिन जो मेरे ब्लॉग में आपको देखते थे तो वो आपको मिस कर रहे हैं। तो सलाम तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम सबको, छोटो बड़ों का, अम्मी का प्यार भरा सलाम। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको दुआएं दे, अल्लाह सबको अच्छा रखे। अल्लाह सबको जितने रमजान अभी निकल गए हैं सबके अच्छे आगे भी, अल्लाह सबके अच्छे जाए, सबको अच्छा, सबको अच्छा ईद खुशी खुशी सब, अल्लाह ईद मनाए सब। और सब उसके लिए आरिफ के लिए, आरिफ के लिए अल्लाह सब लोग दुआ करें, उसको जल्दी अच्छा कर दे, सब दिल से दुआ। उम्मीद तो ये कि ऑपरेशन जो है वो इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा। एक उम्मीद जागी है तो बस ये है कि अल्लाह उसका ऑपरेशन अच्छे से करे। उसकी माँ, उसकी अम्मी भी नहीं है, उसकी अम्मी ने, सब लोग उसके लिए दुआ करें। हमारा स्वागत देखिए आप कल की बासी जलेबी से। इतनी बासी अच्छी होती है ना, उतनी कुरकुरी अच्छी रहती है। ये सही है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। सनी आज तुम्हारी ससुराल में पहली इफ्तारी है। और शादी की सालगिरह है, सबको थाली खिलाएगा, जो जिसका मन होगा वो खिलाएगा। हमने बताया सनी को हम ऑर्डर कर देंगे। ये तो उल्टा तुम्हें करना पड़ रहा है, बताओ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं है? शादी बड़ी शादी खुशी में स्पेशल, इससे क्या खुशी हो सकती है? तो आप लोग कुछ स्पेशल करो, बस प्यार मोहब्बत है। सुबह इतना सारा किया है बेचारा शरबत बनाते हुए, वहाँ पे रहती है ना। ये देखो ये कैसा टेका लगा के बैठे हैं। पापा भी आ गए, देव भैया भी आ गए, त्रिपान भी आ गए। अब शाम को डालेंगे पापा, देखते हैं आप। आज सनी सबके लिए खाना ऑर्डर कर रहा है, तो सबकी फरमाइश पूरी हो रही है। इफ्तार के बाद मैं डायरेक्ट अब आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी थकान थी, ट्रैवल भी करके आए थे ना, बातें बातें करने में ज्यादा टाइम हमने लिया है, जो कि जरूरी भी था और बनता भी है, इतनी सारी बातें करनी थी। अभी ये तीन लड़कियां जा रही है साथ में घूमने, सनी नीचे हैं, वो जाएंगे ड्राइव करके, क्राउन इसी पास में लगा के आएंगे क्योंकि दूर नहीं जाना है। चलो जल्दी बैठो, सब इधर उधर होके बैठ जाओ। चलिए जी, पता नहीं वहाँ पे कितनी भीड़ होगी, नहीं होगी, उतर पाएंगे नहीं उतर पाएंगे, लेकिन सनी का बहुत मन है हद्री चौक देखने का। फ्रेंड्स यहाँ अच्छा तो बहुत लग रहा है, उतरने का मन है, घूमने का मन है, खाने का मन है, लेकिन पार्किंग का मसला है। ऑटो में आना चाहिए था, लेकिन पता है कभी कभी लौटते वक्त ऑटो नहीं मिलते। तो नया नगर में हमें नली निहारी ऑर्डर कर रहे थे, तो नया नगर में लस्सी नहीं मिली, हम जहाँ पे गए थे वहाँ खत्म हो गई, तो अब कॉर्नेटो देखते हैं अगर यहाँ मिल जाती है तो। कौन कौन कॉर्नेटो खाएगा तो? हाँ। तो यहाँ भी कॉर्नेटो नहीं है, यहाँ है कि नहीं? अरे ये खुल गया कि एक मिला है, ये वाले कौन आजकल मिलते ही नहीं है। देर से परेशान हो रहा हूँ, कहाँ चले गए सब, कुछ सब चले गए। कितना अच्छा डेकोरेट किया है ना। मैं तुम्हें अपने कॉर्नेटो का लास्ट का पार्ट दे रही हूँ, इससे ये जाहिर होता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पूरी खा के ये दे रही हो? अरे ये बेस्ट पार्ट होता है, क्यों रिजर्व? ये इसके लिए लोग कॉर्नेटो खाते हैं, मानते हो कि नहीं? मानता हूँ। यही गिफ्ट है आज तुम्हारा 5 मंथ एनिवर्सरी का। ये
और आप इस चीज से अग्री करते हो कि मुझे पता है कि कर्नाटक का जो लास्ट का पार्ट होता है वो बेस्ट होता है, वो जान होता है, और वही मैंने इनको दे दिया, तो दिया ना अच्छा बेस्ट गिफ्ट। अच्छा लगा राउंड लगा के, मेहर मजा आ रहा है? मेहर तो लिफ्ट ही नहीं दे रही है। अच्छा खा रही है, खा लो घर। अरे ये लोग नीचे बैठे है, अम्मी कहाँ है? रात के 2:30 बजे बोल रहा है दुपट्टा ओढ़ लो और कैमरा ऑन कर लो। कुछ कर तो पाया नहीं था मैं तो, इसलिए मैं फिर मैंने ला के रखे थे एनिवर्सरी ना हमारी पांच की। रमजान चल रहे हैं, कुछ तो कर दूं। थैंक यू। इसका तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, ये वाले सरप्राइज का। मुझे तो याद था, देर से हम लोग बातें कर रहे हैं यूट्यूब पे, उधर टाइम पास कर रहे हैं, रेसिपीज देख रहे हैं, और अचानक से बोलता है एक काम करो दुपट्टा ओढ़ो कैमरा ऑन करो। और उसको पता है कैमरा ऑन करने को बोल दो कि अगर ऐसे दे दिया तो फिर सब बोले कि तुमने मुझे व्लॉग नहीं बनाने दिया, रिएक्शन नहीं लेने दिया। तो अच्छा लगा ना, मुझे याद था क्योंकि कल मैं ट्रेन में कुछ नहीं कर पाया था। रिलीज की इतनी अच्छी खुशबू, इतने दिनों बाद मैंने रिलीज की खुशबू जो है वो महसूस करी है। थैंक यू सो मच। और आप सब भी हमें कमेंट्स में बहुत सारी दुआएं दे रहे हो, मुबारक कह रहे हो, आप सबका दिल से थैंक यू। और बदले में मैं बस आपको दुआएं दे सकती हूँ कि आप सबकी जिंदगी में भी ऐसा मौका है, आप सब हमेशा खुश रहें, साथ रहें, और बस हमेशा जैसे हमें खुशी मिली है इससे कई गुना ज्यादा आपको खुशी। आमीन आमीन आमीन। बस ऐसे हंसती रहो मुस्कुराती रहो, तुम्हें अच्छा लगा, इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। दुआ भी, दुआ तो देते ही हम लोगों को यार, दुआ तो आप लोग देते ही हो, और आप लोग की दुआ से ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने लिए दुआ करिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करिए, और बस यही बात कहूँगा, इसकी अपनी बात खत्म करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।